क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y equal to 5 एंड 2x minus 3y equal to -4। इन्हें ग्राफ पे पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर ग्राफ से इन्हें सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही हूँ और फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे जहाँ पे वो कट कर रही हूँ वो पॉइंट्स भी बताने। ठीक है, तो पहले इन लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। x plus 2y equal to 5, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके दो पॉइंट्स निकालते हैं पहले। तो अगर इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 2y equal to 5 आ जाएगा, मीन्स y equal to 5/2। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2y जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, x equal to 5। तो जो दो पॉइंट आए वो क्या है, 0, 5/2 एंड 5, 0। ओके, 5/2 को क्या कहते हैं, 2.5। अब इक्वेशन सेकंड देखो, 2x minus 3y equal to -4। ये इक्वेशन क्या है सेकंड, इसके लिए अगर दो पॉइंट निकाले हैं तो x की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो 2x 0 हो जाएगा, -3y equal to -4 आ जाएगा, विच मीन्स y equal to 4/3। और अगर इसमें y की वैल्यू 0 रखते हैं तो -3y टर्म 0 हो जाएगा और 2x equal to -4, विच मीन्स x equal to -2। तो जो दो पॉइंट आए वो क्या है, 0, 4/3 एंड -2, 0। ओके, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाली x plus 2y equal to 5, ये ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है। देखो उसमें पहले 0, 5/2 देते हैं, वाई एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे ही देखो ये पॉइंट दिस इज 0, 2.5। क्लियर, एंड 5, 0, सॉरी ये गलत पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं होगा। देखो ये इसमें पहले मार्क कर लेते हैं, एक मिनट। तो दिस इज 1, 1, ये क्या है 2, 3, 4, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4। अब 2.5 कहाँ पर होगा, 0, 2.5 वो ये होगा, दिस पॉइंट हुआ 0, 2.5। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, 5, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होगा 5 यूनिट, 5, 0। तो दो पॉइंट से ओके, पर्पल लाइन निकल रही है, किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, x plus 2y equal to 5, इसको अपन ने रिप्रेजेंट किया। अब है 2x minus 3y equal to -4, क्वेश्चन सेकंड, 0, 4/3, 0, 4/3, ये देखो ये 1 और 2 के बीच में हुए, दिस पॉइंट या ग्राफ पर लोकेट करना तो एग्जैक्ट ये आ रहा, 0, 4/3 एंड -2, 0, -2, देखो ये 1 है और ये -1, ये -2, दिस पॉइंट -2, 0। ठीक है, तो ये जो लाइन है रेड कलर की लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x minus 3y equal to -4। दोनों लाइंस को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, दोनों इक्वेशंस को। अब इसमें कैन आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस। तो ग्राफिकली पहले सॉल्व, उसका सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन इसका ये होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस, तो ये कितना है, यहाँ पे एक्स है, एक्स की वन कॉमा ये 2 के करस्पॉन्ड है, तो 1, 2। आप ग्राफ में देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पॉइंट कितना होगा, 1, 2। तो ये क्या हुआ सॉल्यूशन। नाउ फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस। ओके, तो लाइन कहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे मीट कर रही है, एक तो दिस इस पे मीट कर रही है -2, 0 पे एंड 5, 0। तो ये जो दो पॉइंट आ गए यहाँ पे, ये लाइन्स हैं वो एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। उसका सॉल्यूशन क्या है,
position equal to 1, 2, which means x equal to 1 and y equal to 2. Points where lines meet x axis. वो पॉइंट्स कौन से हैं? वो पॉइंट्स हैं -2, 0 एंड 5, 0. ओके, बेटा.